हाय, हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दास फैमिली ब्लॉग 19 के आप लोग को स्वागत है। चलिए, अभी भी मैं आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट करती हूँ। चलो आपको मैं दिखाती हूँ अभी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। अभी ये देखो, चावल चावल धो रही हूँ। देखो यहाँ पर पानी है। ये देखो, अभी चावल धो चुकी। अभी पानी दे के चावल बैठा देंगे। देखो अभी ये देखो, पानी दे दी, चावल बैठा दूंगी। ये देखो चावल बैठा दी। और ये देखो इसमें क्या है दिखाती हूँ। ये देखो चिकन। ये देखो, बहुत दिन के बाद आज चिकन लेके आई। अब चिकन बनाऊंगी, चिकन करी। ये देखो चिकन, अभी मैं इसको जा रही धोने के लिए। अभी ये देखो, हल्दी नमक और सरसों का तेल। अभी इसको मैं अच्छे से मिला धुआ रख दूंगी। बस ये हो गए। अभी जा रही हूँ आलू फ्राई करने के लिए। अभी ये देखो तेल गरम हो गया है। यहाँ पर आलू काट के रखी हूँ, आलू फ्राई करूँगी। नमक हल्दी अभी ये देखो आलू फ्राई हो गया। अभी यहाँ पर प्याज काट के रखी हूँ, अभी मैं उसको मसाला बनाऊंगी। अभी ये देखो आलू फ्राई हो गए, यहाँ पर आलू निकाल के रखी हूँ। अभी प्याज, अभी मसाला बनाऊंगी। देखो प्याज हुआ नहीं है। और इस तरफ चावल हो गया। देखो अभी ये देखो प्याज हो गया। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। ये देखो ये चिकन मसाला। और ये गरम मसाला। अभी मैं उसको अच्छे से सब मिला के मिक्स कर देती हूँ। मसाला हो गया। उसके बाद टमाटर, देखो टमाटर। अभी ये देखो मसाला हो गया।
चिकन करी बनाने के लिए मैं कितना थोड़ी तेल भी निकल गया। मसाला हो गया। अब यहाँ पे चिकन रखी थी, अभी चिकन कर रहे थे। अब ये देखो पूरा धीमा आँच करके स्लो आँच में छोटा ढक्कन लगा के अभी देखो इसे तेल गरम कर ली। पापड़ फ्राई करेंगे और तो तेल में थोड़ा थोड़ा पानी हो सकते थे और अभी तेल गरम हो गया। एक साथ में दो दो ये थोड़ा अच्छे से हो गया। ये दोनों देखो कितना छोटा है। देखो इस तरफ चिकन बनाते बनाते पापड़ भी फ्राई हो गया। देखो पापड़ मैं भी ढक्कन खोल के देखती हूँ। मिक्स कर देती हूँ। चिकन आलू दोनों साथ में हो जाएगा। फिर से ढक्कन लगा देती हूँ। अभी ये रखो चिकन हो गया। अभी पानी दूंगी। आलू भी हो गया कितना अच्छे से। ये देखो पानी, गर्म पानी। चिकन करी ये देखो पानी दे दी। अभी अच्छे से उबल जाएगा तो भी तो 5 मिनट थोड़ा सा उबलने छोड़ दूंगी। वो करी थोड़ा पतला दिख रहा है, वो थोड़ा अच्छे से उबल जाएगा तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। वो छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो जाएगा। अभी ये देखो चिकन करी हो गया। अभी सब खाना बनके रेडी हो गया। अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। चलो आपको दिखाती हूँ। तो मेरा कैमरा थोड़ा ख़राब हो गया है, पीछे का कैमरा, इसलिए सब्ज़ी थोड़ा अलग जैसा दिख रहा है। जो भी कुछ सब्ज़ी बनाती हूँ थोड़ा वाइट जैसा दिखता है, कैमरा ख़राब हो गया इसलिए अच्छे से नहीं दिखता है। अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। चलो आपको दिखाती हूँ।